listen to my legs, I'm over here deeper. I'll kill every beat, I'm gonna call me the Reaper. If anybody try to test me, I'll just slap him. I train so hard, when I'm on the track, I overlap him. मेरा नाम महक है, महक अश्रफ. मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ. आई एम फ्रॉम श्रीनगर, कश्मीर, एंड आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम अ रैपर एंड अ लिरिसिस्ट, फर्स्ट फीमेल रैपर ऑफ कश्मीर. तो मैं 12 साल की थी जब मैंने यूट्यूब देखा. तो यूट्यूब पे जो नेक्स्ट सॉन्ग जो प्ले हो गया, वो M&M का था, लूज योर सेल्फ. तो वो मेरे लिए उस टाइम पे कुछ नई चीज़ थी, मैंने कभी रैप सुना नहीं था. तो मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद आया. उसकी वजह से मैंने जो आर्टिस्ट है M&M, उसके बारे में बहुत सर्च किया कि इसने कैसे स्टार्ट किया, इसके क्या स्ट्रगल्स थे, अभी वो कैसे इतना मतलब टॉप पे है. तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली. तो फिर मैं उस टाइम 13 ईयर्स की थी. तो मैंने जब देखा अपने अराउंड जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी या कश्मीर में उस टाइम जो हो रहा था, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ रैप लिखने के बारे में या रैप बोलने के बारे में. उसकी वजह से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली और उसी की वजह से मैंने दूसरे आर्टिस्ट के बारे में जानना स्टार्ट किया, जैसे कि निकी मिनाज है, टूपाक है. मुझे पूरा लाइक कॉन्सेप्ट रैप का उसी की वजह से पता चला. उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिली. ऑब्वियसली जब मैंने पहले स्टार्ट किया तो घर वालों ने यही बोला कि यहाँ पे तो मेल आर्टिस्ट है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं, वरना तो उनमें इतना पोटेंशियल है, तुम क्या करोगी, और अगर तुम्हें बहुत सारा बैकलैश मिलेगा, हेट कमेंट्स मिलेंगे, पीपल लाइक लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में. मैंने बोला कि अगर कुछ करना है, लाइक मुझे लगता है मैं ही यहाँ पे अभी फीमेल फर्स्ट फीमेल रैपर हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं इसी में कुछ करूँ. अगर मैं इसमें अच्छा कर रही हूँ तो मुझे करना चाहिए. फिर मैंने सॉन्ग्स वगैरह लिखे. तो हाँ, लोगों का काम यही है कि वो कर रहे हैं हेट, लेकिन अगर 5 लोग हेट कर रहे हैं, 10 लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसकी वजह से मोटिवेशन मिल रही है. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये है ना कॉन्सेप्ट, मैं सोचती हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट को हेट भी मिल रहा है ना, तो उससे भी वो बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिलती है कुछ अच्छा करने को नेक्स्ट टाइम. तो यही है कि हेट भी ज़रूरी है और सपोर्ट भी ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए. आप अगर कुछ कर रहे हो लाइफ में और आपके पास वो है जुनून, नहीं मुझे ये सब करना है, मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आप ये नहीं ढूंढो कि कोई लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है लाइफ में. आप लाइक बॉटम से स्टार्ट कर रहे हो. तो मैंने भी यही किया, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला स्टार्टिंग से. तो मैंने भी क्या किया, मैंने यूट्यूब से सीखा, लाइक यूट्यूब पे अपने सॉन्ग्स अपलोड किए, या फ़ोन पे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे अपना थोड़ा फॉलोइंग बढ़ाया, उसी की वजह से मेरे गेन हो गए ऑडियंस. तो इंसान को अगर कुछ करना है तो उसको बॉटम से ही स्टार्ट करना है. उसको ये नहीं कि हर कोई किसी को कुछ ऐसा मिलेगा कि वो लाइक आगे अचीव कर सके. तो बॉटम से अगर आप स्टार्ट करोगे एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट, तो ऑब्वियसली यू वुड बी ऑन टॉप. तो मैंने एक फ्री स्टाइल गाया था एंड इट गोज लाइक दिस. It's a late night, staring at the clock, it's right in front of me. Was born with unstable mind, that's what you wanna see. They say this life was easy, never nope, I can't agree. Big money for the better, you do you, I'm just doing me. Thinking back, reminiscing all the moves that I ever made. Family lost, friends won't realize that times have changed out with the old, within you. Try to wipe the fake when I'm dead and gone. Who will be the one to take my place? Flies to the body, like lambs to the slaughter. Psyche for a minute, knew I had to grind harder. Making enemies on this road, they're tougher, smarter. Take the throne from the king, it will be my honor. Judge me for not what I've done, but what I'm gonna do. Consequences for the actions, remember you can just pick and choose. Climb to the top to always win, but I never lose. You said I'm tripping, but I only speak the truth. मेरी पहली यही मैसेज रही कि अगर आप करना चाहते हो सच में, तो एंड यू लाइक बी रेडी टू रिसीव क्रिटिसिज्म, बी रेडी टू रिसीव बैकलैश, एंड द वे यू वुड डील विद इट सो ग्रेसफुली इज द थिंग दैट वुड हेल्प यू टू रीच द टॉप. तो पहला ये आप देखो कि पहले अपने घर वालों का सपोर्ट आप जीत लो अच्छे से, उनको मनाओ कि नहीं मुझे ये सब करना है. एंड देन व्हेन दे वुड सी यू कि आप नहीं अच्छे से कर रहे हो, आपके अंदर वो जुनून है करने का, तो ऑब्वियसली दे वुड सपोर्ट यू.
उसके बाद अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आप बॉटम से स्टार्ट करो, यूट्यूब से स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग फ़ोन से स्टार्ट करो, देन ऑन यूट्यूब एंड देन ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, तो ऑब्वियसली आराम से हो जाएगा। पहले तो बिगिनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फॉर एग्जांपल मुझे भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मैंने पहले ही स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने भी पहले फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया था। तो इंशाल्लाह यू वुड बी ऑन टॉप वन डे इफ़ यू स्टार्ट एंड यू नो इफ़ यू स्टार्ट हार्ड वर्किंग।